आगे बढ़ते हो और सुनाते हैं जेजेपी विधायक अमर जी ढांडा ने क्या कुछ कहा हमारे सहयोगी पवन सेवर से बातचीत करते हुए। जुलाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक और जेजेपी के चीफ व्हिप अमरजीत ढांडा मेरे साथ हैं। अमरजीत जी, आपने आपकी पार्टी ने एक व्हिप जारी किया है, आपकी तरफ से व्हिप जारी हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी स्टैंड है, हमने ये कहा था किसानों की ऐसी पार्टी है, किसानों के साथ पहले भी अभी भी है, आगे भी है, और पूरी सरकार किसानों के साथ में। उसी भी यहाँ पर हमारे डिप्टी सिंह दूसरी चौटाला जी ने वहाँ राज्यपाल अभिभाषण में बोला था भाई, ये जो रिटर्निंग वाला काम है ये भूपेंद्र हुड्डा ने खुद लागू किया था और ये सरकार के ऊपर थोपा जा रहा है। आज भूपेंद्र हुड्डा इस बात की यश भी करी है भाई, हमने चलाया था ये, अरे थोपा जा रहा है, किसानों के ऊपर चलाया, गलत नीतियों जो राजनीतिक विपक्ष वाले हैं इसको गलत यूज करने जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार जो हमारी पूरी सरकार हरियाणा सरकार जेबीवीपी और बीजेपी पार्टी, हम इसी बात पे कह रहे हैं भाई केंद्र सरकार को भाई किसानों का मसला बैठकर संशोधन किया, कोई समाधान किया जाए। सरकार में पार्टनरशिप में रहेंगे कुछ भी जीत हासिल कर लेंगे, विपक्ष में बैठ के तो जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं बुकाएंगे, हम सच्चे सिपाही हैं, किसानों के सच्चे साथ में खड़े होकर काम करना काम करेंगे। आपकी जो पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी बना दी, हम तो वोट खिलाफ करना चाहते हैं, अगर हम वोट खिलाफ करते तो हमारी सदस्यता चली जाएगी, पार्टी ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया, वो ये कह रहे हैं। ऐसी हमारी कोई मजबूरी नहीं है, सभी बात के सभी बात करते हैं, ये देखो आपने थोड़े आपस में घर में पर कोई मिसगाइड होगा, मैं तो मानता नहीं, क्यों सारे बैठ के बात की थी, सभी साथी सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे तो हम कुछ भी जीत हासिल कर लें, सरकार से बारे में जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं हम विकास कर पाएंगे ना लोगों में सुन पाएंगे। देवेंद्र बबली ने यह कहा कि उप मुख्यमंत्री को अब अपनी पार्टी का स्टैंड बदलकर सरकार से बाहर आ जाना चाहिए, चूंकि जब किसान धरने पर बैठा है तो हम सरकार के अंदर बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो तो देवेंद्र बबली बताएगा भैया, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, जो मेरी विकास हल्के की बात बता रहा हूँ, जो अपने किसानों की बात बता रहा हूँ। पिछला जीरिया सीजन था, मंडी में कोई जमींदार मेरे पास फोन नहीं आया था, मौसम गेहूं के मौसम में तो कुछ कमियां रही थी, मौसम खराब, रोज बारिश होने लग रही थी, जीरी के एक बार मंडी में गया था, उसके बाद दोबारा मंडी में जाने, सबकी पेमेंट आई है, सबकी खरीद हुई है, किसी किसान को हम तंग नहीं होने, किसान तंग होगा तो हमारे दूसरी चौटाला जी कह रहे हैं भाई किसान के ऊपर कोई आँच आई तो हमारे पहले हमारे ऊपर आँच आएगी, हम किसान की तेजी हैं, पहले भी थे अब भी आगे भी रहेंगे। जो कल अविश्वास प्रस्ताव है उसमें आपकी पार्टी का जो फैसला है यानी सरकार के साथ रहने का, उसी पे कायम है, वोट उसी पे करेंगे? ये तो बड़े हमारे डिप्टी सिंह दूसरी चौटाला जी हैं, जो आदेश देंगे आदेशों में चलना पड़ेगा, फिर दूसरी चौटाला भी साफ तय कर चुके हैं, एमएसपी के ऊपर को आवाज आएगी तो हम अपना सबसे पहले हमारा समर्थन वापस लेंगे, इतना हम इस कुर्सी बैठे एमएसपी को आवाज नहीं आने देंगे किसान। हमारे साथ जेजेपी के विधायक और चीफ व्हिप अमरजीत ढांडा थे, जिन्होंने कहा है कि किसान के साथ जेजेपी है और किसान का एमएसपी मिलता रहेगा तब तक ही दुष्यंत चौटाला जो है वो सरकार में रहेंगे, ये बात उन्होंने साफ कर दिया। साथ ही अमरजीत ढांडा ने कहा है कि किसान का हित जो है वो जननायक जनता पार्टी शुरू से ही रखती आई है और आगे भी रखती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने क्या कुछ कहा, सुना आपने। इस बीच